नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। आजीविका पाठ 13 की बात करते हैं। हम लोगों ने करियर का निर्धारण कैसे होगा, ज्योतिष को किन किन बिंदुओं की चर्चा करनी चाहिए और ये 7 ग्रहों के ऊपर आधारित करियर को किस तरह से समझा जा सकता है। हमारे पास 7 ग्रह हैं हमारे करियर का दिशा और दशा बताने के लिए, और करियर की प्रकृति भी वही बताता है। अब जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो लोग भाग्यवादी हो जाते हैं, कहते हैं कि आप भाग्यवादी हो गए। तो यहां हम हमेशा कहते हैं कि यहां भाग्यवादिता की बात नहीं है। आप इसको समझते कैसे हैं ये जानना जरूरी है। आज हमारा विज्ञान नित्य नए खोजों के पीछे लगा हुआ है और हमारा ज्योतिष भाग्यवादी होने का तमगा लेकर के बैठ गया है। तो हम आपको कहेंगे यहाँ भाग्यवादी होने की कोई बात नहीं है, विश्लेषण की बात है। ब्रह्मांड है, ग्रह है, इसको कौन नहीं मान रहा? कौन कहता है कि चंद्र नहीं है तो चंद्रयान भेजते कहाँ है? कौन मान रहा है कि मंगल नहीं है, मंगल का कोई अस्तित्व नहीं है तो आपका मंगलयान कहाँ गया था? अब उनका अपना विवेक है, उनकी अपनी दृष्टि है, उनका अपना खोज है और हमारी अपनी गणना है, हमारा अपना विषय है, हमारी अपनी विशेषता है कि हम इसको विश्लेषण से समझते हैं और हमारे वेदों में जो सूत्र दिया गया उसकी व्याख्या करके समझते हैं। तो जितना परिश्रम वैज्ञानिकों के लिए हमारे देश में हुआ, अगर उतना ही परिश्रम हमारे वेदों के लिए होता तो हम ये नहीं कहते कि हम विश्वगुरु बनेंगे, हम विश्वगुरु होते। चलिए कोई बात नहीं, आगे सब कुछ होता ही रहेगा। अब ये विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है, दुनिया में GDP की चर्चा होती है, हर दिन हम नए नए आविष्कारों को करते रहते हैं, हमारे परिधान से लेकर के रहन सहन का स्तर बदलते रहता है। तो इस बदलती तस्वीर में आप ज्योतिष से अपेक्षा करते हैं कि हमको बोले कि आप हार्ट सर्जन हैं, आप ऑल इंडिया में नौकरी करते हैं, आपका सैलरी इतना होगा, आपने 100 मरीजों का अभी सीना फाड़ा होगा, आप अपने जीवन में 1000 लोगों की सर्जरी करेंगे, कैसे संभव होगा? तो हम यहाँ यही कहते हैं कि ये भी संभव नहीं है कि हम इतना कह पाएं, और ये भी संभव नहीं है कि हम आप जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रकृति को नहीं समझ पाए। तो यदि आप हमको ईश्वर मान के प्रश्न करते हैं तो यह आपके लिए गलती है। यदि एक अध्ययनशील ज्योतिष मान करके प्रश्न करते हैं तो आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा होगा। हर 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज झोपड़ी में रहते थे, हमको एक टाइम का खाना कम मिलता था, हम साइकिल से स्कूल जाते थे। उसके पिताजी कहेंगे हम तो 10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे, तुमको तो बाइक और कार से स्कूल छोड़ के आते हैं फिर भी नहीं पढ़ते हो। तो न ये शिकायत होनी चाहिए कि हम तुमको कार से बाइक से स्कूल छोड़ते हैं तुम पढ़ाई नहीं करते हो, न ये बात होनी चाहिए कि हम कहाँ थे। ये आपका बड़प्पन नहीं है कि आप उसको कार से और बाइक से स्कूल छोड़ करके आते हैं। ये इतना विकास हुआ, यदि उस जमाने में ये विकास हुआ होता तो आपके पिताजी भी आपके लिए यही व्यवस्था करते। तो इससे क्या होगा, आप अहम भाव से भी बच जाएंगे। चलिए, हम यहाँ पे कोई नैतिक शिक्षा के लिए नहीं खड़े हुए, हमारा उद्देश्य ज्योतिष को बताना है। लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं कि आप ज्योतिष क्या है, ये वेदांग है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और यदि जिस दिन किसी व्यक्तिगत ज्योतिष को समझ जाएंगे उस दिन के बाद से ज्योतिष आपका काम करना बंद कर देगा। उसके अंदर कितना ज्योतिष है ये जान करके यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है।
उसने 10 बातें बताई, एक बातें आपके अनुकूल हो गई और आप धन्य हो गए और जीवन भर के लिए उसका सेवक हो गए, तो ये भी गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आजीविका में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा कि आजीविका को देखना कैसे चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। आगे बढ़े तो पढ़ा कि लग्न और चंद्रमा में जो बलवान है उसमें से आप चूज कीजिए। अगर चंद्र बलवान है तो जहां चंद्र स्थित है वहां से दसवें स्थान को देखिए और वहां कौन ग्रह है उसके अनुसार आपका करियर हो सकता है। या लग्न बलवान है तो लग्न से दसवें स्थान में कौन ग्रह बैठा है उसको देखिए, उसके अनुसार आपका करियर हो सकता है। आज के पाठ को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आप जो पीछे 12 पाठ पढ़े हैं आपके मन में बहुत संशय भी है, आज हमको सारे संशय को दूर करना है। तो हमको मिला कि यहाँ बुध बैठा, तो बुध के अनुकूल आप बौद्धिक क्षमता के अनुकूल काम करेंगे। अब हमको क्या है कि ये लग्न और चंद्रमा से यदि दशम में कोई ग्रह स्थित न हो तो क्या करेंगे। अगर वहां एक से अधिक ग्रह स्थित हो तो क्या समझेंगे। तो यदि ग्रह ना हो, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब यहां एक पॉइंट और आगे बढ़ जाता है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा, आप लोग सुदर्शन चक्र देखते हैं क्यों बनाया जाता है, बहुत कारण है उसको बनाने का। आपके सुविधा के लिए एक ही सीध में सबको लग्न मान लिया गया और सारे भाव स्पष्ट कर दिए गए। तो लग्न सूर्य और चंद्रमा में बलवान कौन, ये समझा है। जो बलवान है उससे दशम स्थान देखें और उस स्थान में जो राशि है उसका स्वामी, नवांश में जिस राशि का गया उसके स्वामी के अनुकूल काम होगा। यहां तक हम लोगों ने सीखा। और उसके बाद क्या सीखा कि सूर्य यदि निर्धारक हो तो क्या नौकरी क्या पेशा, शनि निर्धारक हो तो क्या नौकरी क्या पेशा, बीच के सभी को हम लोगों ने समझा। तो उससे जितने प्रश्न आए हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको कहा कि हम सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे और हम बेसिक से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हमको जितना ज्ञान है सबको यूज करते हुए लगाएंगे कि आगे होगा क्या। तो हमको सबसे पहले दशमाधिपति, अब लोग कहेंगे कि लग्न से दशम की तो बात ही नहीं कर रहे आप, पूरा जीवन तो यही पढ़ता आया कि दशम से ही रिजल्ट आएगा, दशमेश ये होगा, दशमेश पीड़ित होगा, दशमेश अच्छे स्थानों में होगा, हमेशा तो ये पढ़ते आए। तो क्या दशमाधिपति के अनुकूल मेरा कार्य नहीं होगा, आपके मन में भी ये बात आता होगा। चलिए दूसरा बात आता है कि दशम स्थान में स्थित ग्रह, अब दशम स्थान में स्थित ग्रह कौन, जो भी हो जाए सूर्य से शनि तक, क्या उसके अनुकूल मेरा कार्य नहीं होगा, ये भी प्रश्न आएगा। तीसरा होगा कि दशम स्थान एक से अधिक ग्रह होंगे तो फिर हम किसको निर्धारक मानेंगे, करियर का निर्धारक ग्रह कौन होगा मेरे लिए, क्या ये प्रश्न नहीं आया आपके मन में। नवांश में स्थित दशमेश राशि के स्वामी क्या ये हो जाएंगे, इसी को फाइनल मान लेना चाहिए। अब आता है दशानाथ और भुक्तिनाथ, हम हमेशा कहते हैं कि दशानाथ भुक्तिनाथ, अब ये भुक्तिनाथ मतलब अंतर दशानाथ, हमेशा अपने प्रभाव से आपको दाहिने और बाएं मोड़ते रहते हैं। तो इतना प्रश्न तो आपके मन में आया भी होगा, कुछ लोगों ने प्रश्न किया भी था। तो पहले प्रश्नों का तो उत्तर है कि दशमाधिपति को हम नहीं भूलेंगे, इसको हम आगे बहुत स्पष्ट करेंगे
क्योंकि जब कभी किसी योग की बात करेंगे तो इतनी चर्चा नहीं होगी, उसको तो दशमाधिपति से ही लेंगे, इसलिए दशमाधिपति का कहीं महत्व कम नहीं हो जाता। अब बात आता है कि दशम में स्थित ग्रह, यदि कोई अकेला ग्रह है तो वो निर्धारक हो सकता है। अभी बात को समझिएगा, दशम में एक से अधिक ग्रह हो तो उसमें से भी कोई ग्रह आपके करियर का, कार्य का, कर्म का निर्धारक हो सकता है, आपके व्यापार का निर्धारक हो सकता है, इसकी भी संभावना बन जाती है। अब आगे लेते हैं कि नवांश स्थित दशमेश राशि के स्वामी, क्योंकि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है तब फिर हमको तो यहां जाना ही पड़ेगा, तो क्या इसी राशि के स्वामी को मान लिया जाएगा? क्या ये निश्चित है? या फिर हम लोग दशानाथ या भुक्तिनाथ के विषय में सोचेंगे? कार्य के निर्धारक तो मंगल हैं, शुक्र की दशा आ गई, तो क्या अब हमको शुक्र की तरह काम करना होगा? क्या अब हम एक्टर एक्ट्रेस बन जाएंगे, नृत्य संगीत का काम करने लगेंगे, जज बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इतने बातों को समझना है। पहले हम लोगों ने समझा है, आगे देखिए गणित के पाठ को प्रयासरत हैं, जल्दी शुरू करेंगे तभी षडबल पढ़ाएंगे, तब आप लोगों का बहुत कुछ, बहुत जो ज्ञान का चक्षु है वो खुलेगा। तो हमने कहा कि पहले तो हमको ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि दशमाधिपति का बहुत महत्व है, क्योंकि जितने भी राजयोग और योग पढ़ेंगे तो इसी दशमाधिपति के अनुसार पढ़ेंगे। कार्य करने के तरीके में हमारे लग्नाधिपति का भी कुछ काम होता है, उसको भी पढ़ेंगे। आजीविका के चैप्टर को हम 1% भी कमजोर नहीं होने देंगे। वर्तमान में ये सबसे बड़ी समस्या है, और आप सब जानते हैं कि कोई बेरोजगार है तो कोई बेरोजगार हो रहा है, क्योंकि उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, और इस भीड़ में पीछे से भी लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यदि हम अच्छी तरह से चयन कर पाए, हम परेशानियों को समझ पाए, तो हो सकता है कि हमारा कुछ निदान भी निकले। एक ही जगह आप देखते हैं कि वैकेंसीज में एक ही जगह लाखों लाख आवेदन आता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या इसके लिए कभी सरकार ने ज्योतिषियों के ऊपर ध्यान दिया कि भाई आप भी कुछ निर्धारित कीजिए कि कैसे लोगों को कौन सा काम करना चाहिए, वो वहीं आवेदन करे? क्या हमारा अभ्यास, हमारा रिसर्च यहां तक पहुंचेगा क्या? चलिए, तो हमारा यही कहना था कि हम किसी एक ग्रह पे टिके नहीं रहते, और वर्तमान समय में बहुत तरह के कार्यकत्वों को हम समझते हुए और कार्य क्षेत्र के विस्तार को जानते हुए पहला नियम यही लगाना है कि यदि दशमाधिपति बहुत बलवान है तो उससे ले लेते हैं, आपको 50% रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, बहुत कमजोर है तो आगे बढ़ जाइए, दशम में स्थित ग्रह बहुत बलवान है, तो पहला नियम क्या हुआ कि टेंथ लॉर्ड यदि बहुत बलवान है तो उसको ले लेंगे, नहीं तो दशम स्थान में स्थित ग्रह, इन दोनों में कौन अधिक बलवान? अच्छा, कहेंगे बल कैसे देखेंगे? भाई बल षडबल से देखेंगे, और बल देखने का कोई दूसरा तरीका नहीं मेरे पास। तो इन दोनों में से जो बलवान होगा उसको ले लेंगे। अब ये इन दोनों की तो समस्या हल हो गई, अब आगे इस दोनों के साथ ये तीसरा भी आ जाता है कि अब दशमाधिपति लेंगे, अब दशम में बैठे कितने ग्रह हैं? 3 ग्रह हैं, कभी 4 ग्रह हैं, किसी किसी में 5 ग्रह होते हैं, तो हम किसको लेंगे? तो उन चारों पांचों में से बलवान कौन? हमको हमेशा बलवान लेना, कमजोर नहीं लेना। कमजोर क्या काम करके देगा आपको? आप मजदूर भी सोचते हैं ताकत वाला, कमजोर खड़ा मजदूर आप
घर नहीं लाते, क्योंकि आप समझते हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगा, ये तो परेशान हो जाएगा। तो जब आप एक मजदूर को अपने घर लाते हैं तो ये चयन करते हैं कि किसके पास कितना ताकत है, वो ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप अपने करियर का निर्धारक ग्रह चुन रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो अब यहाँ बलवान, इन 4, 3, 2 जो बलवान हो, और साथ में दशमाधिपति को भी रखेंगे हमेशा, क्या वो बलवान है? अब आगे आते हैं नवांश में स्थित दशमेश राशि के स्वामी। ये हमेशा काम करता है, ये बहुत अच्छा सूत्र है। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वानों ने तो ये कहा कि मैंने इस सूत्र को निकाला, हमारे गुरु ने ये सूत्र प्रतिपादित किए बहुत रिसर्च के बाद। बहुत दुख होता है, और वो वही लोग समझ सकते हैं जिनको हम टेक्स्ट बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। आप किसी अलग से राइटर की बुक पढ़ लिए, उसमें लिखा गया कि ये नियम तो इन्होंने प्रतिपादित किया है, तब आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जबकि फलदीपिका में दूसरे पहले श्लोक में ये चर्चा है, कई जगहों पर चर्चा है इसकी। तो चलिए, तो हमारा कहते हैं कि नवांश स्थित दशमेश राशि के स्वामी का बहुत महत्व है। इस सबसे ज्यादा महत्व इसका है, इसीलिए तो इसको लिखा गया। यदि खाली हो जाए तो भी देख लीजिए, 4 ग्रह वहां आ जाए, निर्णय में परेशानी हो तो देख लीजिए। दशमाधिपति कमजोर हो गया तो देख लीजिए। तो इस नियम को तो हमेशा हम स्टार मानते हैं कि सबसे जरूरी नियम है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अब है दशानाथ और भुक्तिनाथ। अब आपने सब कुछ अच्छा देख लिया, तो क्या कोई ऐसा दशानाथ आया जो पत्रिका में सबसे बलवान ग्रह था? कभी कभी हमने अपने जीवन में देखा है कि जो सबसे बलवान ग्रह था उसने सारे कार्य को बंद कराया और अपनी ओर खींच के आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आप 50-50 पत्रिकाओं पर अध्ययन कीजिए, 100-100 पत्रिकाओं पर अध्ययन कीजिए। हम ये नहीं कहते कि पहले ज्योतिष छोड़ दीजिए, पहले अध्ययन कर लीजिए। आप करते रहिए ज्योतिष करते हुए, लेकिन अध्ययन करते रहेंगे तो आगे धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे। तो यहां दशानाथ और भुक्तिनाथ आपके उस समय कार्य में परिवर्तन, प्रमोशन, परेशानी आदि के विषय में ज्यादा बताएगा। लेकिन कोई बलवान ग्रह की दशा आ गई तो ये सारे नियम फेल हो जाएंगे, वो अपनी ओर खींचेगा और आगे बढ़ा लेगा। तो ज्योतिष को समझने की जरूरत है। अब कहेंगे कि सर इतने नियम लगाना बहुत आसान है, श्रीमान टेक्नोलॉजी का युग है, और जब हम सडवल पढ़ाएंगे तो नंगी आंखों से आप सडवल को कैसे समझ सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम हमेशा करते रहेंगे, तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम इस चैप्टर को इसलिए लाया कि आप पीछे बहुत कुछ भूल रहे थे। बहुत लोग तो चंद्रमा जहां स्थित है नहीं, कर्क, अगर लग्न राशि, लग्न की राशि, लग्न में ही चंद्रमा, लग्न में ही सूर्य, तो कहां जाए? लग्न से काउंटिंग कर लीजिए, सोचने की जरूरत कहां है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। भूख लगी और दाल रोटी ही मिलना, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको दाल रोटी से ही संतोष करना पड़ेगा। यह साधारण प्रश्न है कि लग्न में ही लग्नेश हो, चंद्रमा भी वहीं हो, तो वहीं से गणना कर लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा जहां स्थित है वहां से गणना करना है, सूर्य बलवान हो तो सूर्य जहां स्थित है वहां से गणना करना है। आप लोग सोचेंगे कि अभी 12-13 पाठ हो गया, इतना बता दिए, सब समाप्त हो गया। नहीं, अभी तो कई पाठ आने बाकी हैं, और अभ्यास तो शुरू ही नहीं किया हमने, क्योंकि अभी तो ये नया पाठ चल रहा है, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे अभ्यास करेंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, अभ्यास पाठ भी आएगा। आज हम उम्मीद करते हैं कि जो आज 12 पाठ में आपके मन में भ्रम रहा होगा
वो सारे भ्रम आज दूर हो गए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम दशमेश का महत्व नहीं देते, ऐसा नहीं है कि दशम स्थित राशि का महत्व नहीं देते, ग्रह का महत्व नहीं देते। दशम में चार पांच ग्रह बैठे हो तो उसको समझने का प्रयास नहीं करते, सबका प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद अपने बुद्धि विवेक और जो आप अभ्यास करते रहते हैं, आपको 10 सालों का अनुभव है, 20 सालों का अनुभव है, 40 सालों का अनुभव है, उस अनुभव से आपने पाया क्या? सिर्फ धन पाया या कुछ ज्ञान भी पाया? यदि कुछ ज्ञान पाया तो आप जरूर इसको आगे अच्छा कर पाएंगे। कोई परेशानी हो, पाठ से संबंधित परेशानी ही पूछें। विश्लेषण कराने के लिए हमारा फी है, छोटा सा फी है, जमा करके आप बात कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।